अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर की राजनीति में उथल पुथल मची हुई है। पहले जम्मू कश्मीर के बड़े नेताओं को नजरबंद कर दिया गया और अब जम्मू कश्मीर के दो पूर्व मुख्यमंत्रियों उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट यानी PSA लागू कर दिया गया। PSA लागू होने के साथ ही दोनों नेताओं को बिना ट्रायल के 3 महीने की जेल भी हो सकती है। इस मामले पर सरकार का कहना है कि 6 नेताओं ने उनके नियमों और शर्तों को मानने से इनकार कर दिया था, इसलिए उन पर PSA लगाया गया है। सरकार ने पूर्व CM फारूक अब्दुल्ला, IAS से राजनेता बने शाह फैजल, पूर्व मुख्यमंत्रियों उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती, नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता अली मोहम्मद सागर और PDP नेता सरताज मदनी पर PSA लगाया है। अब सवाल ये है कि नेताओं ने कौन सी शर्तें नहीं मानी और आखिर PSA क्या है? तो बता दें कि गिरफ्त में लिए गए नेताओं से एक बॉन्ड पर साइन करवाया जा रहा था और ये बॉन्ड 370 के खिलाफ प्रदर्शन न करने की गारंटी थी। सिग्नेचर करने वाले नेताओं को तो रिहाई मिल गई, लेकिन कुछ नेताओं ने इस पर साइन करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद इन पर PSA लागू किया गया। पब्लिक सेफ्टी एक्ट यानी सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम, जिसके अंतर्गत बिना मुकदमे के किसी भी व्यक्ति को 2 साल तक की गिरफ्तारी या नजरबंदी की अनुमति देता है। यह कानून 1970 के दशक में जम्मू कश्मीर में लकड़ी की तस्करी को रोकने के लिए लागू किया गया था, क्योंकि उस समय ऐसे अपराध में शामिल लोग मामूली हिरासत के बाद आसानी से छूट जाते थे। अब यह कानून लेकर कौन आया? तो बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री और फारूक अब्दुल्ला के पिता शेख अब्दुल्ला लकड़ी तस्करों के खिलाफ इस अधिनियम को एक निवारक के रूप में लाए थे, जिसके तहत बिना किसी मुकदमे के 2 साल तक जेल की सजा देने का प्रावधान किया गया था। वह ये था कि जब 1990 के दशक की शुरुआत में राज्य में उग्रवाद भड़कने लगा तो PSA ने ही पुलिस और सुरक्षा बलों की मदद की। 1990 में तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद ने राज्य में विवादास्पद सशस्त्र बल अधिनियम को लागू किया तो बड़े पैमाने पर PSA का इस्तेमाल लोगों को पकड़ने के लिए किया गया। PSA सरकार को 16 साल से ऊपर किसी भी व्यक्ति को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए रखने की अनुमति देता है। 2011 में न्यूनतम आयु 16 से बढ़ाकर 18 कर दी गई। हालिया दशकों में इसका इस्तेमाल आतंकवादियों, अलगाववादियों और पत्थरबाजों के खिलाफ किया जाता था। 2016 में हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी बुरहान वानी की हत्या के बाद कश्मीर घाटी में विरोध प्रदर्शनों के दौरान PSA के तहत 550 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया। बता दें कि कश्मीर में ब्रॉडबैंड सेवाएं और हाई स्पीड इंटरनेट अभी भी बंद है। दीपक कुमार, पंजाब केसरी स्टूडियो, दिल्ली। यदि आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया पेज को लाइक कीजिए। यदि आप वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो।